cutie. सो वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग गाइस. सो ये मेरा शॉर्ट रोड ट्रिप है मेरे दोस्त के साथ. उसके साथ मैं गया था, बस उन्होंने कहीं पे एसी लिए निकल जाना था तो फिर मैं भी साथ में चल पड़ा. तो फिर ये देखो रास्ते का व्यू जो कि मेरे को काफ़ी सही लगा. ये कैनोल ऑयल की खेती है. पहले तो मेरे को सरों का तेल लगा बट मैं खुद कन्फ्यूज था. सो मेरे को इसी दिन पता लगा कि एडमिंटन ब्यूटीफुल नहीं तो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है. बस देखो तो सही कितना ज़्यादा मतलब सही लग रहा है. तो इस पॉइंट पे भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा था, जैसे कि रोड थोड़ा ऊंचा है, हमारे लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ ट्रीज थे और थोड़ा सा ये इलाका कह सकते हो कि काफ़ी अलग है. मतलब यहाँ पे घर थोड़े कम हो रहे हैं और ये जगह नेशनल हाईवे से शायद आ गया. तो ये देखो पेड़ों के बीच में सिंगल रोड और जो कि काफ़ी सही लग रहा था मेरे को, और ये आसपास जंगल ही जंगल. तो ऑटम में तो यार जब पत्ते गिर जाएंगे तब ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा. और अब इसके बाद हम यहाँ पे टर्न राइट लेंगे और देखो फिर वहाँ पे कुछ मतलब कि पेट्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारे थे और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ब्रेव. ये देखो ये बिल्ली यकीन नहीं मानोगे बट 18 साल की है ये, और ये थोड़ी ओल्ड हो रही है, बाकी ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेव थी. और एक ये बिल्ली जो कि बैठी हुई थी मशीन पर ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल थी. ये देखो इनको खौफ ही नहीं किसी चीज़ का. इंडिया में जैसे कि बिल्ली भागते हैं यहाँ पे नहीं भागते, ये अलग ही अपने मौज में रहते हैं. और ये देखो कार जो कि इन्होंने बस कबाड़ में रखी थी बट फिर भी $6,000 का सेल कर रहे थे ये कबाड़. और ये रहा हमारा छोटा दोस्त जो कि काफ़ी प्यारा था. इसको कुछ हुआ था मतलब कोई बीमारी थी इसके, तभी एक आय का कलर चेंज था. और ये इस मशीन से मे बी ग्रास कट करते हैं वो लोग या बर्फ़ साफ करने के लिए इस करते हैं, उन्होंने बताया था बट याद नहीं है. और यहाँ पे मैंने ट्राई किया था सिनेमैटिक शॉट लेने का बट नहीं हो पाया. तो बस देखो इसके ऊपर भी बिल्ली बैठी है. या रियली बट इट्स रस्टेड बट स्टिल इट्स लुकिंग गुड. सो गाइस टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था क्योंकि ये मेरा कनाडा में पहला रोड ट्रिप था जो कि मैं अपने घर से काफ़ी दूर आया था, तो मैं काफ़ी बेटर लगा था. ये देखो बाहर का व्यू जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे को सही लगा था, स्विट्ज़रलैंड जैसा लगा था, बस पहाड़ थोड़े चाहिए थे. और मौसम भी काफ़ी साफ था उस दिन. तो अब हम यहाँ से घर के लिए जा रहे हैं, एसी हमने अपने कार में रख लिया है. अब आगे से टर्न लेना था हमने. तो ये वैसे नेशनल हाईवे यहाँ से सारी रोड्स कनेक्टिंग मिल जाती है, लाइक ओंटारियो जाना है तो यहाँ से रोड मिल जाती है. तो एट लास्ट वो देखो डाउनटाउन की बिल्डिंग्स जो एडमिंटन की है. तो हाय गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में. मेरा अगला व्लॉग काफ़ी जल्दी आने वाला है. आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा ये शॉर्ट ट्रिप.